की जो नीति बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई उत्तर प्रदेश को लेके, क्योंकि वहां पर टफ फाइट देना भी अपने आप में एक बड़ी बात माना जा रहा था, और पहले ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस तरीके के रुझान देखने को मिलेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह राम मंदिर का राजनीतिकरण किया, उस मुद्दे का, मैं समझता हूँ लोगों को वो पसंद नहीं आया। लोगों ने देखा कि किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर आपने उन लोगों, धनी धनाढ्य लोगों को बुलाया, जिन लोगों को बुलाया गया ना उसमें समाज के सन्यासी वर्ग के लोग थे, ना समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, सामाजिक संस्थाएं नहीं थी, विपक्षी नेताओं नहीं थे। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो प्रधानमंत्री के प्रिय थे और जो राजनीतिक रूप से उनके लिए सहूलियतकार थे। तो सवाल यह कि इन लोगों ने देखा किस तरीके, तो कांग्रेस को भी था, कांग्रेस पार्टी, सवाल बुलाने का नहीं है, सवाल यह कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं था कि वो सरकार के स्तर पर नियंत्रित करते। और दूसरी बात, जो राम मंदिर जो ट्रस्ट था उसके, उसको उन्होंने साइडलाइन करते हुए, उस पर अधिपत करते हुए उसका राजनीतिकरण किया। जिस तरह की बातें आपने कही, आपने उसमें उसके महिमावन करते हुए आपने भगवान राम को एक बच्चे बाल रूप में दिखा करके उसको उंगली पकड़ के आप मंदिर ले जाते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो आप भगवान राम का भी आपने उपवास किया। तो लोगों को ना इन धारणाओं को, लोगों के मन में ठेस पहुंची और लोगों ने इनके वास्तविक रूप समझा कि ये अपने आप को भगवान से बड़ा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों की श्रद्धा अगर भगवान के प्रति है तो भगवान को छोटा करने में, उनको अपमानित करने में अगर कोई कृत्य होता है तो उसे लोग सामूहिक रूप से बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर जिस तरह का लाभ लेने का प्रयास मोदी और अमित शाह और वहां की सरकार ने किया, उसका परिणाम है कि लोगों ने उसको तिरस्कृत किया है, उसको उसका अमान्य कर दिया है। और मेरा मान जी, वो वहां पर उनको नुकसान हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतिक जीत इसे माना जा सकता है, रणनीतिक एडवांटेज माना जा सकता है कि जो डैमेज उन्हें नजर आया यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, उस डैमेज को उन्होंने कवर कर लिया, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने उस गड्ढे को भर लिया है, जिससे कि आज सत्ता में आने की स्थिति में वो दिख रहे हैं। जादुई आंकड़ा है वो टच कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। लीड और विनिंग जो है दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाए तो 292 सीटों पर ट्रेंड कर रहे हैं, 272 का जादुई आंकड़ा उनके ही हाथ में है, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स में जहां तक आपने बात कही है, मध्य भारत बाद में करूं तो दो स्टेट्स है, मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां उम्मीद से कम इनका नुकसान हुआ है। उम्मीद से कम नहीं, वहां मध्य प्रदेश में स्पष्ट तौर पर 29 की 29 सीटें भाजपा को दी गई हैं। तो ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, और ये हमको आकलन करना होगा कि हमारा वहां का प्रादेशिक नेतृत्व, चाहे कांग्रेस का हो चाहे संयुक्त विपक्षी दल का था, क्या कारण रहे कि वहां दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भरोसे हमने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों नेता वहां प्रभावी रहे, हम एक भी सीट वहां बैग नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं हमारी ये कमी रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश में हमें उम्मीद थी कि हमें वहां से सहयोग मिलेगा, लेकिन हम वहां सफल नहीं हो सके हैं। तो एक बड़ा कारण भी नहीं खुला सर आपका जी, मध्य प्रदेश में तो खाता भी नहीं खुला। मैंने आपसे कहा ना कि अप्रत्याशित परिणाम है, हमको भरोसा था हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व का, क्या कारण रहे क्या रहे ये तो आगे जांच का विषय होगा, लेकिन हमको इस बात से आघात लगा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में जिस तरह का माहौल था, मात्र एक सीट आपको मिली है, छत्तीसगढ़ में भी 10 सीटों पर बीजेपी ट्रेन कर रही है, एक ही सीट आपके खाते में जा रही है। मैंने आपसे कहा कि कुछ कारण रहे हैं जहां हम कमजोर हुए हैं, हमारे को कारणों जांच करनी होगी, लेकिन हमें बहुत सारे राष्ट्र जो प्रदेश हैं उनमें, महाराष्ट्र लीजिए, बंगाल लीजिए, सत्ता हाथ से जाती दिख रही है। मैं कह रहा हूं आपसे, लोगों का जो मत है क्या है वो इनको तिरस्कार कर रहा है। भाजपा में प्रधानमंत्री को लोग अब प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, इस बात को लेकर संयुक्त विपक्ष का एक ही उद्देश्य था कि हमें प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, और उसमें हम सफल हो रहे हैं, उसमें हम सफल हो रहे हैं। जो फिगर और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को यह सपोर्ट मिलेगा। एग्जिट पोल की भी बात करें चाहे अभी की नतीजों की बात करें, वहां पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव फेवर में रहेगा। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जी, कि जिस तरह का टिकट आवंटन हुआ, आपको ध्यान होगा पहले दो चरण में जो टिकट दिए गए थे उसमें बहुत सारे प्रत्याशियों ने टिकट दिया तो उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अपनी कारण बताए, सामाजिक कारण बताए। लेकिन जब दो सत्र के चुनाव होने के बाद टिकट जारी किए गए तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर क्षेत्रीय नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में लेकर, उससे पहले उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। सवाल यह है कि उसके बाद जो उन्होंने टिकट दिए हैं और जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, जितने भी मोदी भक्तों को टिकट दिए गए वो सब चुनाव हार गए हैं, और जिनका राजनीतिक अस्तित्व है, जो मतदाता जुड़े रहे हैं, जिनकी प्राथमिकताएं रही हैं, जो संपर्कों में रहे हैं, वो लोग राजनीतिक रूप से चुनाव जीते हैं। जो राजनीतिक चुनाव जीता है वो मोदी भक्त नहीं है, इसलिए वो अपनी भविष्य को देखकर, अपनी मेरिट को देखकर, अपनी राजनीति को देखकर वो सरकार में सहयोग करेंगे। इस ये बात भी तय है
कि भाजपा में अब जिस तरह का मैंडेट आ रहा है, जो 400 पार का नारा देकर लोगों को बरगलाया गया, बहकाया गया, उसकी सत्यता सामने आ चुकी है। आरएसएस का सहयोग इस सरकार ने इस मतदान में नहीं किया है, तो आरएसएस का अलगाव और जिस तरह से जो लोग राजनीतिक परिषद चुनाव जीतकर आए हैं वे लोग मोदी के अंधे भक्त नहीं है, अमित शाह के अंधे भक्त नहीं है, उनकी राजनीतिक हैसियत है। तो फिर राजनीतिक हैसियत वाले सांसद और आरएसएस मिलकर एक नया नेतृत्व गठित करेंगे, ये मेरा विश्वास है जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आप कहना चाहता हूं कि इसीलिए कह रहा हूं मैं आपसे दावे के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जी, ये बड़ी बात कही है आपने कि जो जिस चीज को लेकर आप आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बात बता दूं कि 295 का स्कोर टच करने की बात जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है, ये फिगर एनडीए का उठा लिया ऐसा लग रहा है, जो दिख रहा है डेटा उसको देख करके ये लग रहा है कि ये फिगर जो खड़गे के मुंह से निकला या राहुल गांधी के मुंह से निकला है वो फिगर एनडीए का उनके पास पहुंच गया। नहीं, मैं आपके सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमने एक बैठक आयोजित की 1 तारीख को, चुनाव समाप्ति के बाद हमने तुरंत सभी सब दलों ने बैठकर जो हमारे सदस्य थे उन्हें मिटकर तय किया, उनसे फीडबैक लिया गया, और जिस तरह का फीडबैक क्षेत्रीय पार्टियों का आया, हमारे पार्टियों का साथ सामूहिक नेतृत्व में आया, वो 295 अंक आया, और वही खड़गे साहब ने वहां से घोषित किया कि हम 295 कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि धीरे 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 ये जो पहले जो पेटियां खोली गई वो उन क्षेत्रों की खोली गई जहां भाजपा कंफर्ट जोन में थी। चुनाव आयोग और कुछ तो न करे, लेकिन ये काम तो कर ही सकता है कि सुविधा अनुसार, क्योंकि मताधिकार का मामला है तो वो खुलना देर अबेर है, तो वो सीटें जहां कांग्रेस मजबूत है वो बाद में खुली है, और जहां भाई मजबूत थी वहां उन्होंने पहले खोली है, तो धारणा बनाने का प्रयास मतलब जैसे मीडिया के साथ चंद घंटों की खुशियां बचा के रखी है बीजेपी ने। नहीं, हाँ रखी है, अब देखिए ना, अब कर रहे हैं ना बात, अभी चुनाव में परिणाम नहीं आया, उससे पहले बीजू जनता बात कर रहे हैं, एनडीए रामाराव से बात उससे बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि असुरक्षित भावना बन गई ना, तो अब वो अलायंस की बात शुरू करने लग गए हैं, मोदी जी अपने पत्ते फैला रहे हैं जिसके लिए उनको क्या। बीजेपी हमेशा से ऐसे भी आरोप लगाती है ये कि जब आप हारने की स्थिति में आते हैं या लूज करते हैं सीटें तब आप ईवीएम को सवालिया निशान ईवीएम पर लगा देते हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी? इस बार हमने इस तरह का दबाव बनाकर रखा, संयुक्त विपक्षी दल के सभी दलों ने इस तरह का नहीं, हमने प्रयास था, अगर हम ये प्रयास न करते तो ये 100% बेमानी करते, लेकिन हमने ये माहौल बना करके इतना तनावग्रस्त किया इनको, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हमने दबाव में रखा कि कोई किसी तरह की कोई धांधली ना हो पाए, किस तरह का कोई गलत प्रैक्टिस ना हो पाए, इसलिए हमने इस माहौल को बनाए रखा और हमने अपने कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को सचेत किए रखा कि जहां मतपेटियां रखी गई हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के भरोसे ना रहे, पुलिस के भरोसे ना रहे, क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा भी उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इस बार सामूहिक रूप से हमको ये शंकाएं थी कि चुनाव में धांधली हो सकती है, लेकिन हमने उसे कम करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाई, हमने उसका माहौल बनाए रखा कि हमें अंदेशा है, तो उसका लाभ हमें हुआ है कि जो शासित पार्टी है वो किसी तरह की धांधली करने से हमने उसको रोक लिया है। तो यहां पे कुल मिलाकर के बात ये कही जा सकती है कि आपकी जो रणनीतिक जीत तो हुई है लेकिन फिर भी बैठना तो विपक्ष में ही है। देखिए सवाल वही है, हमने क्या कहा था कि हमने हमारा संयुक्त प्रयास था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाना चाहते हैं, उसमें हम सफल हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, अभी उसका इंतजार जी तो बकायदा कीजिए, लेकिन अभी चुनाव परिणाम आने दीजिए ना, उसके बाद ही बात तय होगा। एनडीए बहुमत में नजर आ रहा है, 219 पर अभी आगे है, 74 सीटें उसके खाते में जा चुकी है। ये राजनीति है, टूट फूट अगर विपक्ष में हो सकती है तो टूट फूट सत्ता दल में भी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा समय शेष ही रह गया, आप राजनीतिक सम्मानों पर नहीं, पहले परिणाम आने दीजिए, उस परिणाम के बाद राजनीतिक परिचय पैदा होंगी, उसको देखा जाएगा, अगर वो भी अपने काम में दक्ष है तो हम भी राजनीतिक रूप से हम भी सक्षम है। नहीं, लेकिन ये मैं खुद भी मानती हूँ कि जो अलायंस का जो एक ये आइडिया था ये कहीं काफी हद तक वर्क भी किया है और एनडीए के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। और भारती, इसका मुख्य ध्येय था मतों का विभाजन रोकना, जिस तरह की राजनीति करके आंध्र प्रदेश के एक नेता का इस्तेमाल करते हुए मत का विभाजन कराया जाता था अल्पसंख्यकों के नाम पे, आज वो कहाँ है, आज वो दर्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना वो भाजपा के आसपास है, ना उसको उपयोग हो रहा है, उसको दूध की मक्खी तरह फेंक दिया गया, क्योंकि विपक्ष ने उनकी इस धारणा को तोड़ दिया और सारे विपक्ष मिलकर एक हो गए, तो मतों का विभाजन रुकने से आज स्थिति बन गई और प्रधानमंत्री संकट में आ गए। ये विपक्ष का प्रयास था, दूरगामी रणनीति थी जिसके तहत हमने मतों का विभाजन रोका और मतों का विभाजन रुकते ही हम रेस में आ गए और रेस का परिणाम देख लीजिए कि हम मुख्य धारा में हैं। ये
बिल्कुल, दो राज्यों की भी मतगणना हुई है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो क्या लोकसभा चुनाव के प्रचार में विधानसभा चुनाव को भूल गए? दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन लीड बनाए हुए हैं। देखिए, वो क्षेत्रीय पार्टियों का मामला था, क्योंकि हम संयुक्त विपक्षी दल में क्षेत्रीय पार्टियां हमारा भाग थी, हमने उन पर विश्वास किया है और हम क्षेत्रीय दलों के ताकत पर ही चुनाव में गए हैं। हमने राष्ट्रवाद पर बात नहीं की है, हमने क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके उनको सामूहिक नेतृत्व के साथ हमने शामिल किया है, और उस सामूहिक नेतृत्व में जो सबने तय किया, जो क्षेत्रीय दल जहां प्रमुख था, वो हमने उसकी मान्यता, उसकी सिफारिशों के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। अगर मान लीजिए कोई दो दल अगर अपनी योजना में फेल हो गए या कमजोर हुए हैं, तो निश्चित तौर पर परिणाम फर्क पड़ने वाला है, तो उसका भी हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी में कहीं नुकसान भी है, कहीं फायदा भी है। देखिए, जिस तरीके के हमने बयान सुने हैं, राहुल गांधी हों चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, खासकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि भारत के ऊपर, देश के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर आपकी पार्टी, आपका अलायंस अगर सत्ता में आता है, तो किस तरीके से आप डील करेंगे आगे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए? देखिए, क्योंकि ये भी अपने आप में अगर बड़ी चुनौती होगा, अगर आपके आरोप सही साबित हो। आपका ये सवाल, आपका ये सवाल जायज है, पर मेरा आपसे सवाल का जवाब लेंगे। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है, गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा है, जयपुर ग्रामीण सीट पर काफी करीबी मामला हो गया है, परिणाम हमारे पक्ष में है, लेकिन किसी तरह के राजनीतिक दबाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए काउंटिंग हो रही है, कॉमर्स कॉलेज वहां पर जा रहा हूं। तो मतलब अभी मोर्चा संभाले हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कॉमर्स कॉलेज पहुंचे। जी प्रदीप जी, कंप्लीट करिए बात। देखिए, आपने बात कही है प्रदेश नेतृत्व गोविंद डोटासरा की, वो पहुंचे हैं। मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि वो पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो जमीन सूंघकर राजनीति समझते हैं। उनका अपना अनुभव, वो तीन बार के विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं, और जो उनका अनुभव है और उनकी राजनीतिक सूझबूझ को मैं मानता हूं कि प्रदेश में उन जैसे इस शख्सियत का नेता नहीं है। और उन्होंने इस चुनाव से पहले जब वोटिंग हुआ 1 तारीख को, उन्होंने साफ इस पर था कि हम 13 सीटें जीतने जा रहे हैं, और आप देखिए 11 की बढ़त दिखाई दे रही है, और मेरा अनुमान है कि हम लगभग 13 सीटों के आसपास ही चुनाव जीतने जा रहे हैं इस पूरे प्रदेश में। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बहुत सक्षम है, और मैं समझता हूं कि उनके सक्षम नेतृत्व की वजह से ही हम एक रणनीति बना पाए हैं। उन्होंने जिन जिन 25 के 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरे कर वहां के मतदाताओं का मन भापा है, कार्यकर्ताओं का मन भापा है, और अपनी राजनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व से उन्होंने चुनाव को बहुत ही संघर्ष में बनाया। तो मैं कहता हूं बहुत ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कांग्रेस को एकजुट कर चुनाव में जान फूकी और प्रदेश में इस तरह का संघर्ष। मेरा सवाल आपसे पहले ये था कि जिस तरीके के आरोप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर देश की इकोनॉमी को चलाने के ऊपर सवाल खड़े किए हैं इंडी गठबंधन ने, या फिर राहुल गांधी ने, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या विपक्ष ने, तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरीके से, अगर सत्ता में आती है इंडिया अलायंस, तो किस तरीके से इकोनॉमी को आगे रन करेंगे? क्योंकि अगर जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं वो सही है, तो इकोनॉमी को रन करने में काफी मुश्किलें भी आएंगी। भारती, जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वो सारी घोषणाएं हमने घोषित की हैं। लेकिन अगर सरकार बनती है और संयुक्त विपक्ष मिलकर के सरकार बनाता है, तो एक साझा पत्र तैयार करेंगे, उसमें सारी रणनीति तय की जाएगी, सारे दलों की प्राथमिकताओं को करके एक साझा पत्र बनाया जाएगा, जिसको मूल रूप से कार्य पद्धति बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। इसलिए आज के दक्ष में हम ये बात कहें कि हमारी नीति ये होगी, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। जब हम सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ रहे हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए हमारी प्राथमिकता तय करेंगे और उस प्राथमिकता आधार पर हम शासन चलाएंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं। जी ठीक है। और जैसे कि अलायंस की हमने बात देखी, तो हमने कई बार ऐसा देखा है मंच पे, सार्वजनिक मंच पे कभी कोई बड़ा नेता मीटिंग में नहीं पहुंचता है, इंडिया अलायंस की मैं बात कर रही हूं, कभी कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचता है, कभी कोई मीटिंग से बाहर होता है, कभी किसी का जो है वो विरोध मुखर हो जाता है। तो ऐसे में अगर अलायंस जीत जाता है, तो आगे किस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इसी की रणनीति तो संयुक्त साझा पत्र में तैयार होगी। आप देखिए, इस देश में ऐसा है कि तीसरे पक्ष की सरकारें बनी है, गुजरात साहब बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने,
वो हमारे साउथ के एक नेता बने हैं, तो सवाल यह है कि बनते रहे हैं और राजनीतिक मतभेद भी होते रहते हैं, तो इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया में इन चीजों का होता रहना अवश्यंभावी है। इसलिए राजनीतिक सतत प्रक्रिया चलती रहती है, मान्यताएं बदलती हैं, लोगों का मन बदलता है, लोगों के अपने मंसूबे बदलते हैं और कुछ उसमें इल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। तो इसलिए ये पहले से तय कर लेना कि ऐसा होगा ये संभव नहीं है। राजनीति 24/7 गेम है और वो होगा, आगे भी होगा। जैसी भी स्थिति बनेगी, सरकार बनेगी, जैसी बनेगी, सामूहिक नेतृत्व में सारी चीजें मिलकर काम की जाती हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका नुकसान होगा, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस को अलायंस करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या कांग्रेस हार मान चुकी थी बीजेपी के आगे, एनडीए के आगे, कि सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की जरूरत महसूस? मैंने आपसे कहा कि मतों के विभाजन को रोकने की हमारी पहली प्राथमिकता थी, किस तरह से अल्पसंख्यक वोटों को एक तीसरे ध्रुवीकरण करते हुए अलग करके वो मतों के विभाजन से सरकार बन रही थी, उसको हमने देखा। दो चुनावों की प्रैक्टिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को बांटकर, मतदाताओं को बांटकर, जाति के आधार पर बांटकर मतों को विभाजन किया और वो एक वर्ग के वोट को डलवाकर तीसरे पक्ष में वो चुनाव जीत रहे थे। आप देखिए कि इससे पहले 2014-2019 के चुनाव मोदी जी ने 28-31% का मतदान मत पा करके देश की सरकार हार जाती, क्योंकि मतों का विभाजन हो रहा था। विभाजन से ये बात तय होती है कि जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो इस तरह से आज 31% वोट लेने के बाद अगर आप देखें तो 69% उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है, लेकिन 31% की पार्टी सरकार बना रही है। तो इस तरह के मत विभाजन को रोकने की प्रक्रिया को संयुक्त विपक्ष ने समझा। 2014-2019 की जो थी, जो नीति थी मोदी की और शाह की, उसको समझते हुए हमने तैयार किया और परिणाम सामने आ गया। जब मत विभाजन रुक गया तो हम संघर्ष में हैं और मोदी जी आज संकट में हैं, क्योंकि वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, उसका यही सबसे बड़ा फार्मूला था। बिल्कुल, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, 5% सेंसेक्स टूटा है, 4000 अंकों की गिरावट 72,000 के करीब पहुंच गया है और निफ्टी 1200 अंकों से नीचे, निवेशकों के 38,00,000 करोड़ डूब गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव परिणाम से प्रभावित सेंसेक्स टूटा है, बड़ी गिरावट, 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 38,00,000 करोड़ डूबने की खबर सामने आ रही है, 72,000 के करीब सेंसेक्स पहुंच गया है, 4000 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए उसी के साथ सेंसेक्स ने उछाल मारी, लेकिन एग्जैक्ट पोल आते आते, मतगणना होते होते सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, 38,00,000 करोड़ निवेशकों के डूब चुके हैं। जी, यही फर्क होता है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में। जनता का जनादेश कुछ अलग होता है और जो हम कयास लगाते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। प्रदीप जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कल तक तो मार्केट काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था और अब जिस तरीके से औंधे मुंह गिर रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल एनडीए को ऊपर ले जा रहा था और अब एग्जैक्ट पोल औंधे मुंह लेकर आ रहा है एनडीए को, वैसे ही कुछ हाल मार्केट का भी दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं, देश की वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय जो मार्केट है उसका एक स्पष्ट इंडिकेशन है कि सरकार कमजोरी की स्थिति में आ गई है। जी। क्योंकि जब ये गिरता है, सेंसेक्स गिरता है तो सरकार की कमजोरी इंगित होती है और जब ये बढ़ता है तो सरकार की मजबूती स्थापित होती है। अच्छा, इससे साफ साफ इसमें रोककर एक बात कहना चाहूंगी कि अमित शाह के बयान मैंने सुना था कुछ ही दिनों पहले, जिसमें वो दावे के साथ कह रहे थे कि खरीद कर रख लीजिए, बढ़ेगा मार्केट, उछाल मारेगा, फिर वही फरेब। आप देखिए, जिन्होंने अगर उनके अपील को अगर कार्रवाई कर ली होगी, खरीद कर ली होगी, तो आज उनका पैसा डूब गया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कहने की बात है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया और इशारा किया कि आप अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, ये भी एक धोखा था। अब ये 38,00,000 करोड़ जो आ गया है उसमें मोदी शाह ने जो अपील की थी उनके भी लोग इसमें साझेदार हैं। तो समझिए कि आप इन्होंने फरेब का ये स्तर वित्तीय मामलों में भी करके अपने ही लोगों को फंसाने का काम किया है, जो सबसे बड़ी बुरी स्थिति। रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आपके लिए, अच्छी खबर, टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस की जीत हुई है, हरीश मीणा यहां पर चुनाव जीत गए हैं, सुखबीर सिंह जौनापुरिया चुनाव हार गए हैं, यहां पर भी सचिन पायलट का प्रभुत्व देखने को मिला था, एक्टिव थे। दौसा टोंक सवाई माधोपुर, दो सीटें जहां पर सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई है, साथ ही साथ जयपुर ग्रामीण में भी उनका काफी वर्चस्व था, जयपुर ग्रामीण में भी संघर्ष देखने को मिला है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा चुनाव जीत गए हैं। हरिश्चंद्र मीणा बीजेपी में भी गए, बीजेपी से भी चुनाव जीते, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, कांग्रेस में भी चुनाव जीत गए हैं। एक बार फिर से टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, सुखबीर सिंह जौनापुरिया चुनाव हार गए हैं।
जी, साथ ही साथ दौसा की सीट भी कांग्रेस ने जीती है, तो ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत सचिन पायलट के लिए भी हैं। और क्योंकि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जो है वो अपनी सीट से हार चुके हैं। प्रदीप जी देंगे इसका जवाब। जी, इसका जवाब स्टेट लीडरशिप में, स्टेट लीडरशिप में सचिन पायलट का जहां जहां रोल रहा, उन्होंने मोर्चा संभाला, वहां की सीटें निकल करके आ रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे की सीट वो खुद नहीं बचा पाए जालौर की, और पिछली बार भी नहीं बचा पाए थे। मेरा तो यही कहना है कि वैभव गहलोत जालौर सीट से चुनाव लड़े थे, मुझे लगता है मतदाताओं के बीच में कुछ संपर्क की कमी रही है, और मुझे लगा कि शायद उन्हें बाहरी होने का एक नुकसान हुआ है, क्योंकि वो जोधपुर के निवासी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनके लिए अथक प्रयास किए और लोक संपर्क का प्रयास किया, लेकिन लोग मतदाता देखते हैं और मतदाताओं के रूप में। मैं आपकी बात को बीच में रोककर एक बात कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि वो बाहरी हैं, लेकिन पिछली बार वो बाहरी नहीं थे क्योंकि वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और हारे थे। मैंने कहा ना आपसे कि कई कारण होते हैं, उन्होंने सीट बदली, पहले जोधपुर से लड़े हैं, इस बार वहां गए, तो मुझे लगता है मतदाताओं से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी शायद वो स्थापित नहीं हो पाई। प्रदीप जी, आज तो बाहरी भी हो सकते हैं, दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ा ये भी हो सकता है, लेकिन जब जोधपुर से चुनाव हारे थे तब तो उनके पिता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार थी, सरकार होने के बावजूद वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव हारे, तो ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। मतदाताओं के मन की थाह लेने की स्थिति अगर आपकी हो तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है। लोग अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपना उम्मीदवार चुनते हैं, मुख्यमंत्री का बेटा हो और वो इसलिए चुना जाए ये कोई प्राथमिकता नहीं है। लोगों को उनके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आज 2014 के बाद से जिस तरीके से चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया, व्यक्तिवाद हावी हुआ है हमारे देश में, और व्यक्तिवाद होने से मोदी के जो झांसे, जो फरेब, जिससे लोग बहकावे में आ गए, उनसे प्रभावित हो गए, आज उन्होंने दिया, उन्हें मिला क्या? 15 लाख मिले उनको, 2 करोड़ लोग रोजगार मिले उनको, भ्रष्टाचार के पैसे वापस मिले, भ्रष्टाचार वापस आया, कालाधन वापस आया, कोई चीज नहीं हुई। सवाल यह है कि चुनाव जिस बात पर लड़े जाएं उस पर आप कायम रहें, आप चुनाव लड़ते किन्हीं मुद्दों पर हैं और आप काम प्राथमिकता दूसरे मुद्दे बात करते हैं, तो आपने लोगों को फरेब किया। इस बार 2 चुनाव के बाद लोगों ने समझ लिया कि इस फरेब की राजनीति से छुटकारा पाना है, और आने वाले समय में हम इस तरह की बात करके इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं इस बार चुनाव में चाहे वैभव गहलोत की बात हो चाहे किसी की बात हो, अगर आप मतदाताओं से कनेक्ट नहीं हो पाते तो मेरा मानना है कि इस तरह के चुनाव आने में, जीतने में सफलता नहीं। जी बिल्कुल।